हम लोग बात कर रहे थे भौतिक भूगोल के बारे में और इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था भू चुंबकत्व के मूल सिद्धांत को इस टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था और इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा भी की हुई थी और आज की इस क्लास में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे और ज्वालामुखी के बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे और याद रखिए सभी क्लासें आपकी यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस और आपके स्टेट पीसीएस सी को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रही है आप लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि आप लोग कॉलेज लाइफ में हैं, कई लोग स्कूल लाइफ में हैं, कई लोग आप देखते हैं कि वन डे एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं स्टेट लेवल के सेंट्रल लेवल के तो उन एग्जाम के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है तो आप लोगों से हमेशा बोला हूँ कि आप लोग जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग दो काम किया करिएगा एक तो उसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस आप लोग अपने पास रखा करिएगा सबसे पहले और उसके बाद उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर कम से कम चार से पाँच साल पुराने उन्हें पढ़ेंगे आप लोग समझेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर आपकी परीक्षा में भी भौतिक भूगोल से क्वेश्चन आते हैं ज्वालामुखी से क्वेश्चन आते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और वैसे भी आप लोग समाचार देखते हैं न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो आप लोग सुनते रहते हैं कि आज ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है ज्वालामुखी फटा है और ज्वालामुखी आपको बता दूँ इसके फायदे भी होते हैं नुकसान तो होते ही हैं लेकिन ये पृथ्वी के लिए फायदेमंद भी है किस तरह से फायदेमंद है आप सबके घर में कुकर तो होगा ना खाना बनाने के लिए कुकर का यूज करते होंगे आप लोग उसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है और आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि वो सेफ्टी वॉल्व काम ना करे तो आप देखते हैं कि वो कुकर बिलास्ट हो जाता है वो कुकर फट जाता है इसी तरह से आप देखिए पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व ज्वालामुखी को कहते हैं पृथ्वी के अंदर आप सभी जानते हैं गर्भगृह में पृथ्वी के गर्भ में बहुत गर्मी रहती है वहाँ प्लेटें टकराती रहती हैं और आप देखते होंगे कि जो जियोथर्मल इनर्जी है उससे पत्थर पिघलते रहते हैं और अगर आप सोचिए कि गर्म जो पत्थर पिघल रहा है लावा बन रहा है अगर वो पृथ्वी के ऊपर ना आ पाए उसे जगह ना मिले तो आप देखेंगे कि फटेगा और कई प्लेटों को वो तोड़कर ऊपर आ जाएगा तो इसीलिए आप देखते हैं कि उसे रास्ता चाहिए होता है और जब रास्ता नहीं मिलता है तो आप देखते हैं पृथ्वी हिलने लगती है भूकंप जैसी घटनाएं आते आने लगती हैं तो उन्हीं की बात हो रही है और ज्वालामुखी की अगर आप लोग परिभाषा एक लाइन में देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं कि जो आप लोग देखिए यहाँ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे एक पिक्चर नीचे से आप देख रहे हैं कि यहाँ से लावा गिर रहा है ये लाल लाल आप लोग देख रहे हैं यही है लावा और ज्वालामुखी पृथ्वी सतह पर उपस्थित ऐसी एक दरार या मुख या छेद होता है जिसमें से पृथ्वी के भीतर का गर्म लाभा गैस राख चट्टानों के टुकड़े आप लोगों को देखने को मिलते हैं और वो जो छिद होता है ना जो आप दरार होती है ना मुख होता है ना उसी को ज्वालामुखी कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं कुछ और पिक्चर है इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं देखिए बादल दिखना बंद हो जाते हैं इस तरह से ऊपर धूल ये आप देख रहे हैं कि लावा यहाँ बह रहा है आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा इस तरह की घटनाएं क्योंकि सामने से जाएंगे तो वहाँ समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा लोहे को आप लोगों ने गर्म होते हुए देखा है जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसी तरह से आप लोग इसे देख रहे होंगे और ये आगे चलकर आप देखते हैं जम जाता है तो पठार बन जाते हैं पर्वत बन जाते हैं और आप देखिए इसे ऊपर वाले हिस्से को आप लोग देख रहे हैं इसमें आप लोग धूल देखेंगे गैसें देखेंगे बाष्प देखेंगे और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ छिद तो इसे क्रेटर कहते हैं मुख कहते हैं और जो आप देख रहे हैं इस नली के जरिए जो आ रहा है इसे आप लोग क्या कह देते हैं ज्वालामुखी नली कहते हैं और ये आप देख रहे हैं जो बह रहा है इसे लावा कहते हैं और ये मैग्मा चैम्बर हो गया यहाँ से आप लोग दिख रहे हैं और देखिए पृथ्वी के ऊपर तो आकृतियां बनाता है लेकिन पृथ्वी के अंदर भी आप देखते हैं दरार रहती है तो उनमें भर जाता है लावा वहां हो ठंडा हो जाता है वहां भी आकृतिया बनाता है और देखिए ज्वालामुखी छिद्र हो गया ये ज्वालामुखी पाइप की बात हो गई ये ज्वालामुखी शंकु हो गया और यहाँ आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी आकृतियां आप देख रहे हैं यहां देखिए पठार बन गया लावा पठार हो गया बहुत सारी आकृतियां यहाँ देखने को मिल रही हैं यहाँ भी आप लोग देख सकते होंगे देखिए ये पृथ्वी के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि ये जम जा रहा है तो इसे लेफोलित कह, कह देते हैं बैथोलित कह देते हैं सिल कह देते हैं डाई कह देते हैं ऐसे इस तरह की आकृति जो बनती है ठीक है और यहाँ आप लोग देख सकते हैं बैथोलित हो गया इस तरह की जो आकृति बनती है अंदर लेफोलित कहते हैं इसे फैकोलित कहते हैं इसे सीट कहते हैं सील कहते हैं और लेकुलित कहते हैं और डाई कहते हैं तो इन सब के बारे में हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे और देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है तो ज्वालामुखी शब्द की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो ज्वालामुखी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है इसमें एक तो आप देखते हैं कि ज्वाला है और दूसरा मुखी शब्द आप देखते हैं और ज्वाला का मतलब आप लोग समझते हैं कि आग से मतलब होता है और मुख का मतलब होता है मुखी का मतलब होता है मुख तो तो शाब्दिक अर्थ में अगर हम लोग कहें ऐसा तो मुख जिसमें से ज्वाला निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं और ज्वालामुखी भूपटल के बीच क्षेत्र है जिनमें से भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है एक बार से महोदय है इनके मतानुसार अगर हम लोग देखें तो ज्वालामुखी पर्याय एक गोलाकार छिद्ध होता है जिसमें से होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस जल तरल लावा और शैलखंड आदि भूपटल पर आ जाते हैं और एक जानकारी आप लोगों को और दे देता हूँ अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एन जरूर पढ़िएगा आप लोग और आपका बेस मजबूत होगा ठीक है और ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूगर्भ से गर्म गैसें जलबाष्प, वाष्प लावा धुआं राख ठोस पिंड आदि गजन के साथ भूपटल पर प्रकट होते हैं एक हॉम्स महोदय अगर हम लोग हॉम्स महोदय की बात माने तो हॉम्स महोदय क्या कहते हैं ये कहते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी इंक्लूड ऑल द फेनोमेना एसोसिएटेड विद द एस्केप एट द अर्थ सरफेस ऑप मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द डेप्थ ज्वालामुखी भूपटल का एक गहरा छिद्र या दरार है जिसमें से होकर भूगर्भ की उष्ण गैसें, तरल लावा ठोस आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं और इस छिद्र को ज्वालामुख कहते हैं क्या कहते हैं क्रेटर कह देते हैं और आगृति कीपाकार होती है जो लावा या मैग्मा का भंडार होता है और विशाल ज्वालामुखी को कुंड या कालडेरा कहते हैं अब आप देखिए कि जो ज्वालामुखी जहाँ से निकल रहा है जहाँ से आप देख रहे हैं लावा निकल रहा है उसका अगर बड़ा छेद हो जाए विशाल हो जाए तो आप देखते हैं कि उसे कालडेरा कहते हैं और इसमें आप लोग देखते हैं कि जब पानी भर जाता है इसमें इस गड्ढे में तो आप देखते हैं ज्वालामुखी झीलें बन जाती हैं कालडेरा झील बन जाती है और जब लावा आदि पदार्थ बाहर निकल कर व जमकर एक ठोस शंकु की रचना करते हैं तो एक पर्वत जैसी आकृति भी बन जाती है जिसे ज्वालामुखी पठार भी आप लोग कहते हैं पर्वत भी कहते हैं अब आप देखिए कि ये निकल रहा है तो ये जाकर कहीं तो जमेगा आप देख रहे हैं तो वह आप देखते हैं कि उसी आकृतियों की बात हो रही है ठंडा होगा ये लावा ठंडा होने के बाद जमेगा लोहा आप देखते हैं कि जमता है जब गर्म होते हैं तो पिघल जाता है लेकिन जब ठंडा होता है तो वो जम जाता है तो उन्हीं सब की बात हो रही है अगर हम लोग ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया के रूप में और इसमें ज्वालामुखी क्रिया के, के रूप में आप दो तरह से इसे देखेंगे एक तो आप लोग अभियांतिक अभियांत्रिक देखेंगे और बैथोलित इसमें हो गया लेकोलिथ हो गया फेकोलिथ हो गया सिल हो गया डाइक हो गया सीट हो गया और बाह्य क्रियाओं में आप देखेंगे तो ज्वालामुखी धारातलीय प्रवाह गैसर धुआरे गर्म जल के स्रोत शंकु आप लोग देखेंगे इसमें और आप देखेंगे यहाँ शंकु के अलावा आप लोग देखेंगे कि लावा गुम्मद कालडेरा आप लोगों को बाहर देखने को मिलेंगे ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं और एवं अब क्रिया में पृथ्वी का भीतर लावा धरातल की ओर अग्रसर होकर धरातल के नीचे ठोस होकर जमकर बैथुलित लेकुलित फेकोलित सिल डाइक आदि अनेक रूप बनाते हैं और बाह्य क्रिया में आप देखेंगे लावा आदि पदार्थ धरातल के ऊपर प्रकट होकर ज्वालामुखी धरातलीय प्रवाह गैसर धुआं और गर्म जल के स्रोत के रूप में आपको सामने देखने को मिलते हैं ठीक है और यहां आप लोग ये आकृतियां भी देख रहे हैं आप लोग डाइक की हो गई ये ज्वालामुखी फिलाओ ज्वालामुखी द्वारा निर्मित विभिन्न अंतर्वर्ती स्थल आकतियां अंदर की आकृतियों की बात हो रही है और बनाने के लिए हम लोग इस तरह से बना लेते हैं वैथोलेथ इसे कह देते हैं इसे लेपोलेथ कह देते हैं अब मान लीजिए कि ये नली से आ रहा है लावा नीचे से मैग्मा चेंबर से तो आप देखेंगे इन नलियों में भी तो भर जाएगा यहाँ भी तो भर जाएगा ये तो इन्हीं की बात हो रही इस तरह से सीट आप, कहते हैं, और कहते हैं। तो को आप लोग देख भी रहे और मैग्मा की उत्पत्ति की बात करें कि मैग्मा उत्पन्न कहा से होता है तो आग ऊष्मा रेडियो एक्टिविता भू विवर्तनिक संकोचन ऊष्मा जलवास निशस्त होना लावा गैसों का ऊपर की ओर प्रभावित होना आदि ज्वालामुखी के उत्पत्ति के मुख्य कारक है ठीक है तो ये भी याद रखिएगा आगे हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार से तीन तरह के पदार्थ निकलते हैं जो आप लोग देख रहे हैं ना यहां आप लोग देख रहे हैं इसमें कौन कौन निकलता है क्या क्या निकलता है ज्वालामुखी उद्गार से तीन तरह के पदार्थ निकलते हैं कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं इसमें रहते हैं तो इसमें आप देखेंगे ठोस पदार्थ रहता है तो यह विभिन्न आकार के ठोस शैलखंड होते हैं और इनमें अत्यंत सूक्ष्म कण ज्वालामुखी धूल ये राख मटर या सुपारी के आकार के दाने होते हैं उन्हें लीपली कह देते हैं चने के दाने के आकार के होते हैं कण उन्हें स्कोरिया कह देते हैं और स्कोरिया का संगठित रूप बेसिया कहलाता है और बेसिया राख के संगठन के बने टुकड़े टप कहलाते हैं और कई मीटर व्यास के शैलाखंड ज्वालामुखी बम और बेसिया के साथ गैस के बुलबुलों से निर्मित छिदमय छिदमय पत्थर के टुकड़े छमक झमक कहलाते हैं और ये सभी पदार्थ ज्वालामुखी छिप्त कहलाते हैं तो ये सब निकलते हैं दूसरा आप देखते हैं कि तरल पदार्थ के रूप में निकलते हैं तरल पदार्थ में लावा मुख्य होता है और इसका रंग लाल होता है और आप लोग देख भी रहे हैं रंग इसमें गैसें और खनिज मिले होते हैं और सिलिका की मात्रा के आधार पर ये दो तरह से बांटे जाते हैं एक तो अधिक सिल सिलिक लावा इसमें सिलिका की मात्रा पचा पचहत्तर परसेंट से अधिक होती है और गाढ़ा अधिक होने के कारण यह धीरे धीरे बहती है और इसी घी जम जाता है एक तरह से आप लोग देखिएगा उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ आप लोग उदाहरण ले सकते हैं किसी भी तरह से आप देखिए कि एक तरफ आप लोग देख लीजिए घी ले लीजिए मक्खन ले लीजिए आप लोग देखते होंगे मक्खन पहले जमा रहता है थोड़ा आप देखें थोड़ा गीला होगा तो आप उसे अगर आप बहाएंगे तो बड़ा कम धीरे धीरे चलेगा और आसानी से बहुत जल्दी जम जाएगा लेकिन आप देखिए कि उसे आग पर चढ़ाकर बिल्कुल आप लोग पानी की तरह कह दीजिए उसे जैसे ही आप लोग बहाएंगे तो वो बहुत दूर तक फैल जाएगा तो इसी तरह से आप देखेंगे गाढ़ा लावा होगा तो धीरे धीरे जाएगा सरकते हुए और बहुत जल्दी जम जाएगा और अगर आप देखिए पानी की तरह होगा बिल्कुल पानी की तरह तो आप देखेंगे बहुत दूर तक ही चला जाएगा फैल जाएगा तो उसी की बात हो रही है ठीक है और दूसरा आप देखेंगे अल्प सिलिक यह पहला सीग पिघलकर दूर तक प्रभावित होता है और ऐसे सिलिका इसमें सिलिका की मात्रा चालीस परसेंट होती है और आप लोगों से पहले भी बोला है कि आप लोग उदाहरण के लिए कोई भी कुछ भी उठा कर आप लोग सेट कर लीजिए आपको बस समझ में आना चाहिए ठीक है ये ज़रूरी नहीं है कि क्या उदाहरण में आप ले रहे हैं क्या कर रहे हैं बस आपको समझ में आना चाहिए ज्वालामुखी के उद्गार से निकले पदार्थ हो गए ठोस पदार्थ हो गए और आप देख रहे हैं कि ठोस पदार्थ में ज्वालामुखी धूल हो गई लेपली हो गई स्कोर स्कोरिया हो गया ब्रेसिया हो गया ज्वालामुखी बम हो गया झमक हो गई और ज्वालामुखी तरल पदार्थ हो गया तरल लावा में आप देखते हैं कि अधि लावा हो गया अल्ब सिल्का लावा हो गया और गैस मय पदार्थ भी रहते हैं गैसें भी रहती हैं इसमें आप देखते हैं जल वाष्प रहता है कार्बन डाइऑक्साइड रहती है सी ओ टू गंधक रहती है अमोनियम क्लोराइड रहता है हाइड्रोजन और ऑर्गन देखने को मिलेगा और गैसों में आप देखें गैसीय पदार्थ में इसमें जलवास कार्बन डाइऑक्साइड गंधक अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोजन आर्गन आदि जैसे मिलती है और इसमें 80 से 90 परसेंट तक जलवास पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है अब बात आती है कि देखिए ज्वालामुखी के उद्गार की कि ज्वालामुखी का वर्गीकरण किस तरह से होता है कि ज्वालामुखी कितने तरह के होते हैं कैसे होते हैं किस तरह से बांटा जाता है इन्हें तो ज्वालामुखी का वर्गीकरण लेक लेक्रोई इन्होंने उद्गार के आधार पर बांटा है ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया है इस नाम को आप लोग याद रखिएगा जब आप लोग मुख्य परीक्षा में लिख रहे होंगे तो हाँ आप लोगों को या आप देखिए कॉलेज लाइफ में स्कूल में आप लोग लिख रहे होंगे तो इनकी ये बात कह सकते हैं आप लोग और महोदय इन्होंने उद्गारित पदार्थ की भिन्नता के आधार पर बांटा और ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है तो सीधी सी बात कहने का यह मतलब है कि ज्वालामुखी का वर्गीकरण ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार किया गया है और ज्वालामुखी की उद्गार की अवधि के अनुसार किया गया है ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार किया गया है दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार की अवधि के अनुसार किया गया है कितनी अवधि पर रहता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग ज्वालामुखी का वर्गीकरण करते हैं क्या करते हैं वर्गीकरण करते हैं यहां यही आप लोगों को पूरा दिमाग लगाना है समझने में और इसे समझ लिया है तो आप देखिए कि आपका ज्वालामुखी खत्म होता है क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा आपका तो इसमें आप देखेंगे कि ज्वालामुखी का वर्गीकरण अगर आप देखें तो सबसे पहले उद्गार के अनुसार आप लोग देखिएगा क्या उद्गार के आप लोग अनुसार देखिएगा और उद्गार के अनुसार में आप देखेंगे कि पहला है आपका केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी क्या है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा है आपका दरारी उद्भेदन द्वारा एक केंद्रीय उद्गार और एक दरारी उद्भेदन द्वारा ठीक है ये उद्गार के अनुसार दो भागों में बांटा गया ज्वालामुखी को एक केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी और दूसरे है आपकी दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और इन्हें आप लोग अगर देखना चाहें तो सबसे पहले केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी आप लोग उदाहरण के लिए देख लीजिए आगे हम इन पर और विस्तार से थोड़ी बात करेंगे तो आप लोग केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी देखें तो इसमें आप देखें हवाई तोल हो गया जैसे मोना मोना लोआ हो गया

दूसरा आपने देखा है कि उद्गार की अवधि के अनुसार बांटते हैं ज्वालामुखी को तो इसमें आप देखेंगे कि उद्गार की अवधि के अनुसार इसे तीन भागों में बांटा गया है सक्रिय यानी कि जागृत जैसे इटली का एटना पिसोप्त जैसे क्राक और तीसरा है शांत और ईरान का देवबंद समझ में आया है? कुछ कि नहीं आया फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए इन्हीं को अगर आप लोग समझ गए तो पूरा कहानी खत्म होती है ज्वालामुखी जौ का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है एक तो आप देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार और दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार की अवधि के अनुसार अगर हम लोग ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार अगर देखें तो पहला आपका इसमें केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी हो गए दूसरे दरारी उद्भेदन वाले और दूसरा अगर हम लोग उद्गार की अवधि के अनुसार अगर ज्वालामुखी को देखें तो इसे तीन भागों में बांट दिया गया सक्रिय जागृत जहाँ हमेशा एक्टिव बन रहता है उद्दाव एक तरह से उद्गार होता रहता है ज्वालामुखी फटता रहता है ठीक है और दूसरा पिसोप्त जो सो गया है कभी भी अचानक उठ सकता है जैसे कुमार कुंभकर्ण मान लीजिए आप लोगों ने रामायण देखी होगी कुंभकर्ण सोया हुआ है उसे जब आप उठाना चाहें तो उठ सकता है या अपने आप उठ सकता है कब उठ जाए कब धूमधाम मचाने लगे कब आप देखिए लंका को तबाह करने लगे तो वही है आपका पिसोप्त और तीसरा आप देखते हैं शांत शांत वो की बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं हजारों साल से आप देखिए कोई उद्गार नहीं हुआ है इसमें होगा भी कि नहीं होगा कब होगा कोई भरोसा नहीं है अभी शांत पड़े हुए हैं बिल्कुल तो उसी की बात हो रही है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी जो आप देखते हैं ना ये हवाई तुल हो इम इस इस्टोलियन हो गया तुल इन्हीं की बात हो रही है तो केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी देखें तो केंद्रीय उद्गार वाले एक सकरी नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है और जब लावा के साथ गैसों की मात्रा अधिक होती है तो ऊपर दबाव कम होने पर एक गैसें बड़ी तीव्रता से भूपटल के नीचे भाग पर धक्के लगाती हैं और जहाँ कहीं भी भूपटल कमजोर हो मिलता है वहां पर गैसें इन्हें तोड़कर भयंकर आवाज करती हुई अत्यधिक तीव्रता के साथ धरातल पर प्रकट हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप लावा पदार्थ की अत्यधिक ऊंचाई तक आकाश में चला जाता है और तथा बाष्प गैस धोम दो, धूम की अधिकता के से आकाश में अधिक दूर तक घनघोर काले बादल छा जाते हैं और इन्हें आप लोग स्क्रीन में देखना चाहें तो यह आप लोग देखिएगा ठीक है इस तरह से आप देख रहे हैं ठीक है तो इन्हीं की बात हो रही है और इसमें जो आप देखें कि हवाई तुल ज्वालामुखी ये क्या कहता है ये आप देखिए केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हम लोग देख रहे हैं हवाई तोल्य ज्वालामुखी में आप देखेंगे कि इस प्रकार की ज्वालामुखी का एक उद्गार शांत ढंग से होता है और विस्फोटक बहुत कम होता है और इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना है और गैस की तीव्रता में कमी का होना है और इस कारण गैसें धीरे 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 से लावा से अलग होकर भूपटल पर प्रकट हो जाती हैं और निकलने वाले विखंडित पदार्थ नगन होते हैं और उद्गार के समय लावा के छोटे छोटे लाल पिंड गैसों के साथ ऊपर उछाल दिए जाते हैं और जब वायु द्वारा ये लाल पिंड रोक लिए जाते हैं तो लगता है कि आकाश में लावा पिंड केसों की तरह उड़ रहे हैं और हवाई द्वीप के लोग इसे अपनी अग्नि देवी यानी कि पीली की केस राशि समझते हैं यानी कि हवाई द्वीप के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी अग्नि देवी के बाल हैं बाल दिखाई दे रहे हैं ऐसी परंपरा अब बन चुकी है उनमें उन्हें ये मालूम नहीं कि ये तो ज्वालामुखी है ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है और इस तरह का उद्गार खासकर हवाई द्वीप पर होता है और जिस कारण इसके इस प्रकार के, के ज्वालामुखी का नामकरण हवाई प्रकार का ज्वालामुखी कर दिया गया है ठीक है अब आप देखते हैं कि इष्टाम्बॉली दुल ये क्या कहता है इस तरह का ज्वालामुखी प्रथम प्रकार की अपेक्षा कुछ अधिक तीव्रता से प्रकट होता है और जब गैसों के मार्ग में कर, रुकावट होती है तो कभी कभी विस्फोटक उद्गार भी होते हैं और यद्यपि लावा में एसिड की मात्रा कम होती है फिर भी हवाई प्रकार की ज्वालामुखी की अपेक्षा यहाँ अधिक पतला और हल्का नहीं होता है और तरल लावा के अतिरिक्त कुछ विखंडित पदार्थ जैसे ज्वालामुखी धूल झामक अवस्कर तथा ज्वालामुखी बम भी उद्गार के समय निकलते हैं जो अधिक ऊंचाई पर जाकर पुनः ज्वालामुखी क्रेटर में गिर पड़ते हैं और इस प्रकार का उद्गार भूमध्य सागर में सिसली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप के इष्टी ज्वालामुखी में पाया जाता है और तथा इसी के नाम पर इस तरह के उद्गार, इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखियों को इष्टाम्बॉली तुल ज्वालामुखी कहते हैं और इष्टाम्बॉली से सतत उद्भेदन होता रहता है और परंतु ये आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी से सतत उद्भेदन होता रहे हो रहा है अच्छी बात है लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा होता रहे अब आप देखिए इसे अपनी जिंदगी से जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए कि अच्छा चलिए आप लोग किसी से जुड़े हुए हैं वो आपके भरोसे को बनाए हुए हैं ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा आपके भरोसे को बनाए रखे ठीक है तो उसे को आप लोग मैं कह रहा हूं ना कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो अपनी लाइफ को मतलब आप सोचिए कि जोड़ के देखा करिएगा बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे ठीक है अब आप देखिए आपको कोई दूध डेली पहुंचा रहा है दूध वाला और ऐसा तो नहीं है कि वो डेली पहुंचाएगा हो सकता है कि आगे ना पहुंचाए ठीक है आगे चलते हैं हम लोग ये पीलियन तुल्य ज्वालामुखी हो गया यह आप लोगों को आकृति भी दिखाई दे रही होगी अंगला है बल कैनो तुल्य ज्वालामुखी इस प्रकार का ज्वालामुखी पर्याप्त विस्फोटक एवं भयंकर उद्गार के साथ ही प्रकट होता है और इससे निश्स लावा इतना चिपचिपा और लसदार होता है कि दो उद्गार के बीच यह ज्वालामुखी छिद्र पर जमकर उसे ढक लेता है और इस तरह गैसों के मार्ग में अवरोध हो जाता है और परो परिणामस्वरूप गैसें अधिक मात्रा में एकत्रित होकर तीव्रता से ऊपर वाले अवरोध को उड़ा देती है और भयंकर रूप से आकाश में अधिक ऊंचाई तक ये प्रकट होती है और इस कारण ज्वालामुखी मेघ काफ़ी दूरी तक छा जाती है अब आप देखिए कि कहीं आप लोग गुब्बारे में एक तरह से आप देखिए हवा भरे ही जा रहे हैं और बाहर आप लोगों ने बंद कर दिया तो एकाएक वो फटेगा ना जब एकत्रित गैस हो जाएगी तो इसका आकार प्रया फूल गोभी के रूप में होता है जो घर में फूलगोभी बनाते हैं ना सब्जी उसी तरह और इस तरह के उद्गार से एसिड से लेकर पैठिक बेसिक सभी प्रकार का लावा निस्तृत होता है और इस प्रकार की ज्वालामुखी का नामकरण भूमध्य सागर स्थित लेफारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल के आधार पर किया गया है और इसमें प्रत्येक अंगला उद्भेदन पिछले उद्गार से निर्मित लावा की परस को छोड़कर होता है एक आप देखेंगे पिलियन पिलियन तुल ज्वालामुखी और पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं और इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है और इनसे निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा और लसदार होता है और उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर पट्टी जमा हो जाती है और अगले उद्गार के समय भयंकर गैस इन्हें तीव्रता से तोड़कर आवाज करती हुई धरातल पर प्रकट होती है और इनमें निश्चित लावा तथा विखंडित पदार्थ सर्वाधिक होते हैं और पिज्जलित गैसों के कारण ज्वालामुखी मेघ हो जाते हैं और एक है आपका ज्वालामुखी प्रकार ज्वालामुखी तरह होते हैं और अंतर केवल इतना होता है कि गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है और ज्वालामुखी बा, बादल का आकार फूलगोभी के समान होता है जब विस्फोटित पदार्थ काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो गैस एवं वास्तु से निर्मित ज्वालामुखी बादल गोलाकार हो जाते हैं तो जो आपका पहला जो आप देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार आप देखिए पहला वर्गीकरण इसका हो जाता है केंद्रीय उद्गार वाले हम लोगों ने ज्वालामुखी पढ़ लिए और ज्वाला ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार दूसरा एक वर्गीकरण आप लोगों ने बांटा था याद होगा आपको धरातलीय या दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी इन्हें भी देख लीजिए तो ज्वालामुखी चाहे केंद्रीय उद्गार वाले हो या दरारी उद्गार वाले हों जब सब समान रूप से कार्य कार्यरत नहीं होते हैं कुछ ज्वालामुखी उद्गार के उद्दार बाद ही समाप्त हो जाते हैं और कुछ ज्वालामुखी कुछ अवकाश के बाद प्रकट होते हैं और इस प्रकार उद्गार के समय तथा दो उद्गार के बीच अवकाश के आधार पर ज्वालामुखी की को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है अब आप मान लीजिए कि कोई डेली आ रहा है कोई आप आप लोग स्कूल जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं कोचिंग जा रहे हैं तो एक तो आप लोग डेली जा रहे हैं एक आप देख रहे हैं कि बीच में छुट्टी मार दे रहे हैं तो उसी की बात हो रही है ठीक है तो ज्वालामुखी को अवकाश यानी कि छुट्टी के आधार पर आप कहिए कि ज्वालामुखी को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है इसमें आप देखेंगे एक तो जागृत ज्वालामुखी हो गया जिसमें ज्वालामुखी से लावा गैस विखंडित पराज सदैव निकलता रहता है निकला करते हैं और उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी आप लोग कह देते हैं और वर्तमान समय में विश्व के जागृत ज्वालामुखियों की संख्या पाँच के लगभग है और इसमें प्रमुख है इटली का एटना या तथा इष्टाम्बॉली और इष्टाम्बॉली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है और इसमें इससे सदियों प्रज्ज्वलित गैसों गैसों निकला करती हैं इसके आसपास का भाग प्रकाशमान हो रहता है इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं बताइए तो आप देखेंगे कि इष्टाम्बॉली को ठीक है और जून उन्नीस में फिलीपाइन में पिना टोबो ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ तब से आज तक यह सक्रिय है यानी कि हमेशा सक्रिय बना रहना इनमें से उद्भव होता रहना उद्गार होता नहीं रहे ज्वालामुखी लावा निकलता रहना ठीक है गैसें निकलती रहे तोनी की बात हो रही है ये जागृत हो गया एक है आपका पिसुप्त ज्वालामुखी कुछ ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं और उनमें पुनः उद्गार के लक्षण नहीं दिखते हैं पर अचानक उनमें विस्फोटक या शांत उद्भेदन हो जाता है इससे अपार धन जन धन की हानि उठानी पड़ती है चलिए इसे एक और उदाहरण के जरिए आपको बताते हैं देखिए आप लोग कहेंगे कि इन उदाहरण का कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर से आपसे बोल रहा हूँ आपको समझाना है तो उदाहरण कोई भी आपसे आपको बता देता हूँ मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ एक डेली एक शेर आता है डेली आता है वो यानी कि हर समय वो सक्रिय बना हुआ है और उससे आप लोग डेली आता रहेगा तो आप लोग एक तरह से उससे क्या रहेंगे सावधान रहेंगे कि वो हमें खा ना ले तो इसे आप लोग जागृत ज्वालामुखी कह सकते हैं कि जागृत ज्वालामुखी हमेशा सक्रिय बना रहता है आता रहता है उसमें सुद्गार तो हम लोग उससे डर के रहते हैं दूसरा है पेसोप्त ज्वालामुखी यानी कि मान लीजिए कि कब अभी आया शेर अब चला गया अब कितने देर में आएगा कब आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है मालूम चला कि एक बो आया और आप देखिए कि वहां लोगों को खा गया क्योंकि लोग सावधान ही नहीं थे तो उसी तरह से ये सुप्त ज्वालामुखी होता है कि कुछ ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं और उनमें कब पुनः वो उद्गार होगा कब लावा निकलेगा ये इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है और अचानक उसके विस्फोटक या शांत उद्भेदन हो जाता है और इससे अपार धन जन की हानि भी होती है उठानी पड़ती है और ऐसे ज्वालामुखी को, को जिसके जिनके उद्गार के समय तथा स्वभाव के विषय में कुछ निश्चित नहीं होता है और तथा जो वर्तमान समय में शांत से नजर आते हैं पिसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं और जैसे नींद के समय आदमी किसी भी क्षण जाग सकता है और इसीलिए आप देखते हैं कुंभकर्ण का इसका उदाहरण ले लेते हैं उसी प्रकार ऐसे ज्वालामुखी में से किसी भी समय उद्गार हो सकता है और विशुबियस तथा क्राक्का टाओ इस समय पिशुप्त है और विशुबियस भूगर्भिक इतिहास में कई बार जागृत तो, और कई बार शांत हो चुका है इसका प्रथम उद्गार आप देखेंगे उन्यासी इस भी में हुआ था और जिसमें जिससे पी तथा हरकुलियन नगरों को काफी क्षति उठानी पड़ी थी इसके बाद आप देखेंगे लगभग सौ वर्षों बाद विश्व के उद्गार अठारह में होता है अठारह में होता है 1906 में 1927 में 1928 में 1929 में और वर्तमान समय में यह पिसुप्त अवस्था में पड़े हुए तो इनकी उदाहरण आप लोग याद रखा करिएगा इनकी परिभाषा याद रखा करिएगा ठीक है और एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये विशुभियातुल्य ज्वालामुखी हो गया अब ती, तीसरा है इसमें शांत ज्वालामुखी और जब आप देखेंगे कि जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है उसके मुख में जल आदि भर जाता है और झीलों का निर्माण हो जाता है और तो पुनः उद्गार की संभावना नहीं रहती है और भूगर्भी इतिहास के अनुसार इसमें बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ है ऐसे ज्वालामुखी जौ, को शांत ज्वालामुखी हम लोग कह देते हैं जैसे आप देखेंगे कोह सुल्तान देवमंद ईरान के प्रमुख शांति ज्वालामुखी है और इसी प्रकार आप देखेंगे बर्मा म्यांमार का पोपा भी प्रशांत ज्वालामुखी का यानी कि शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है इनके उदाहरण भी आप लोग याद रखिएगा जो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं एक तरह से ये शांत ज्वालामुखी का चित्र भी आप लोग देख रहे हैं अब आप देखिए कि ज्वालामुखी निर्मित कुछ स्थलाकृतियां भी है इन्हें भी आप लोग देख लीजिए

क्रेटर उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें गेजर कालडेरा फ्यूमरोटारा और उष्ण जल स्रोत पंख वाह आदि आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो यहाँ आप देखिए मिश्रित ज्वालामुखी स्थल हो गया ज्वालामुखी नलिका ज्वालामुखी नलिका एक आप देखें लावा मेसा से, सेंडर्स ये शंकु ये लावा पठार हो गया ज्वालामुखी डोम गोम्मत के साथ भसम शंकु ए विकिरणकारी भि के साथ ज्वालामुखी गिवा ये आप देखेंगे शंकु के साथ ज्वालामुखी कुंड दिखाई दे रहा है भस्म प्रवाह आप लोगों को दिखाई दे रहा है इन्हीं सब की बात हो रही है तो बाह्य स्थल आक्तियां मेघमा के वायुमंडल के संपर्क में आकर ठंडे व ठोस होने से बनती है और ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार होने पर निष्कासित पदार्थ ज्वालामुखी के चारों ओर जमा होकर एक टीले से लेकर एक पर्वत जैसी शंकु की आकृतियां बनाता है उसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं इससे पर्वत भी बनते हैं पठार भी बन जाते हैं और जब शंकु में सिलिका तत्व अधिक होता है और संकीर्ण एवं तीव्र ढाल वाली शंकु का निर्माण होता है तो ऐसे लावा शंकु कहते हैं लावा में तरल बेसाल्ट एवं सिलिका की मात्रा कम होती है और मंद ढाल वाले शंकु पैठिक लावा शंकु कहलाते हैं और जब शंकु में राख एवं अंगार की मात्रा अधिक होती है तब ढीले और असंगठित अवतल अवतल ढाल का निर्माण वाले शंकु राख शंकु कहलाते हैं और जब आप देखेंगे लावा एवं खंडित पदार्थ का निर्माण केंद्रीय एवं दराल उद्गारों से होता है और ज्वालामुखी पार्श पर समानांतर सतह के रूप में जम जाने से ठोस क्रमिक परतों से सुडोल शंकुओं का निर्माण होता है उसे मिश्रित शंकु कहते हैं अथवा स्त्रित शंकु भी कहते हैं जब दरारी उद्भाव से उद्गार से शंकु के पार्शुओं पर गैसों के बुलबुले बन, बनते बा, और बा फूटते रहते हैं तो इनसे लघु एवं अव्यवस्थित शंकुओं की रचना होती है उन्हें हम लोग लवालब शंकु भी कहते हैं ढालयुक्त पठार जैसे शंकुशील शंकु ये अब आप देखेंगे कि मिश्रित शंकु की दीवार विस्फोट से टूट जाती है और अनेक दरारें पड़ जाती हैं तो इनके लावा निकलने से बने शंकु शंकु आश्रित कहलाते हैं ठीक है तो ये भी आप लोग रख सकते हैं ये आप देखेंगे ज्वालामुखी पेटियां आप लोग देख रहे हैं परिप्रशांत आप लोगों ने पेटी सुनी होगी ठीक है ये आप देखिए कि यहाँ आप लोग देखेंगे भारत यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये आप देखें परिप्रशांत पेटी आप लोग देखते रहते हैं ठीक प्रशांत इसमें आप लोग देखेंगे परिपाद पेटी की बात हो रही है जैसे आप लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं अग्नि बलाय के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं पेटियों के पास आप देखते रहते हैं ज्वालामुखी आते रहते हैं ज्वालामुखी लावा पठार विवरण हो गया एक तरह से ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी के आसपास लावा के जमने से शील शंकु की भांति गुम्बदाकार आकृति बनती है जो अधिक ढाल युक्त एक होती है तो लावा गुम्बद का निर्माण होता है

दबाव से फुहारे के रूप में उछलता है तो गीजर कहलाता है और ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात उसमें लावा राग से आदि पदार्थ निकलने बंद हो जाते हैं तो बास्प तो गैसों के साथ के कारण गर्म होकर धरातल पर एक एक स्रोत के रूप में प्रकट होता है तो उष्ण जल स्रोत या गर्म झरने कह, कहलाते हैं अब और जब भूगर्भिक जब भूगर्भिक गैसें उच्च दाब के कारण जलयुक्त परतों को भेद कर भूपटल पर आती हैं और कीचड़ के की रूप में धरातल पर प्रभावित होती हैं तो उसे पंख हुआ कहते हैं और ज्वालामुखी ज्वालामुखियों का अगर विवरण देखे ना तो प्रशांत महासागर पेटी हो गई अंध महासागर पेटी हो गई मध्य महासागरीय पेटी हो गई पूर्वी अफीका पेटी हो गई अन्य क्षेत्रों में आप देखेंगे मारिसस कामोरो और री यूनियन द्वीप शामिल हैं ठीक है ये आप लोग देख रहे हैं ना ये लाल लाल आप लोग देख रहे हैं इन्हीं की बात हो रही सबकी ठीक है तो आप लोग शुरू से पढ़िएगा इसलिए आप लोग प्रशांत पेटी के बारे इन सब पेटियों के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे ठीक है सबके बारे में क्रम एक तरह से आप देखिए फ्लो बन जाता है आप आप लोगों का और यहाँ आप देखेंगे अगर हम लोग देखें परिप्रशांत महासागरीय पट्टी की तो इसे अग्नि वलय कहते हैं रिंग ऑफ फायर कहते हैं इसका प्रधान क्षेत्र पूर्वी द्वीप समूह है इस पेटी का विस्तार अंटार्कटिका के ग्राहिम द्वीप के निकट माउंट इखारू तथा टेरा ज्वालामुखियों से प्रारंभ होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे एंडीज पर्वत के समानांतर उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के समानांतर अलास्का तक और एशिया में पूर्वी तट के सहारे एलुसियन कमचटका क्यूराइल जापान फिलीपाइन पूर्वी द्वीप समूह तक फैला हुआ थी। है ठीक है ये आप देखिएगा इस पूरी की बात हो रही है यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं ठीक है आगे आप देखेंगे कि अन्य महासागरीय पेटी इसका अटलांटिक बेल्ट कह देते हैं इसका विस्तार दक्षिणी अटलांटिक में लेसर अल्टीलिस और दक्षिणी टीस द्वीपों में प्रवेश करती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक गई है और फिर अंध महासागर को पार करते हुए पूर्वी तट और एजोस केओ वर्डे और कनारी द्वीप तक चली जाती है एक आप देखेंगे मध्य महाद्वीप द्वीपीय पेटी पे आइसलैंड के हेल्ला पर्वत से होती हुई स्कॉटलैंड तक और दक्षिण में अफ्रीका के पश्चिम में कनारी द्वीप तक चली जाती है और इसकी एक शाखा स्पेन इटली कोकेसिया होती हुई हिमालय के सारे बर्मा तक चली जाती है फिर दक्षिण व दक्षिण व दक्षिणी पूर्व में मुड़कर पूर्वी द्वीप समूह होते हुए परिप्रशांत पेटी में मिल जाती है एक पूर्वी अफ्रीका पेटी यह पेटी इजराइल लाल सागर से मेडागास्कर तक फैली हुई है और अन्य क्षेत्रों में आप देखेंगे मॉरिसस हो गया कमोरो हो गया री द्वीपों के शांत ज्वालामुखी आप लोग इसमें शामिल हैं ठीक है तो ये आप लोग याद रखिएगा इसमें आगे हम लोग पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे सबके बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से इनके बारे में पढ़ जान लेंगे हम लोग ज्वालामुखी पर्वत पठार रहते हैं उन्हें भी याद रख लिया करिएगा और जब उद्गार होता है तो पढ़ते रहा करिएगा थोड़ा बहुत ठीक है इस तरह से आपका ज्वालामुखी टॉपिक कवर होता है अगली क्लास में हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे आप लोग कहते रहते हैं ना कि भूकंप आ गया है तो उस भूकंप होता क्या है उस पर एक विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कोई आपके सुझाव हो सवाल हों तो आप लोग नीचे जरूर बताइएगा और ये अब आप देखिए कि अगर आप लोग सुझाव के लिए बोलेंगे मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई सुझाव हो और अच्छा क्या कि, किया जा सकता है इनमें तो आप लोग जरूर बताया करिएगा बहुत जरूरी है बताना ठीक है